अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563-830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। आमलादही मार्केट के फर्नीचर के दुकान में अचानक आग भड़क उठी। चितरंजन में मंगल की रोज सुबह 7 बजे के लगभग चितरंजन के आमलादही मार्केट में मिंटू फर्नीचर स्टोर में आग लग गई। आग को 5 फायर फाइटर्स और मुकामी लोगों की मदद से काबू किया गया। दुकान के मालिक आनंद चक्रवर्ती का कहना था कि वो आग लगने की वजह नहीं समझ सकते हैं। मैंने हर रोज दुकान का मेन स्विच ऑफ किया और दुकान बंद कर दी, लेकिन शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है, बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन मुकामी लोगों ने अंदाज़ा किया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से शुरू हुई है। एरिया आर्ट के नायब विदेन बप्पा कुंडू ने बताया कि इन्होंने मिंटू के सुबह 7 बजे के लगभग मिंटू फर्नीचर की दुकान के वॉकअप के अंदर आग देखी। आखिरकार चितरंजन जामताला और आसनसोल से फायर फाइटर्स को तलब कर लिया गया। फायर इंजन के जरिए आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन दुकान के मालिक को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। কারণটা এখন দেখুন যতক্ষণ পুরো নিভছে না বলা মুশকিল আছে, এখানে শর্ট সার্কিটও হতে পারে আর অন্য কারণও হতে পারে। কতগুলো দমকলের সিস্টেম এখনটা নিবেন? এখন পর্যন্ত 4টা দমকল এসেছে, চিত্রনগরে 2টো দমকল আছে, জামতলা 2টো দমকল আছে আর আসানসোল দমকলও ঢুকে গেছে। আচ্ছা, বারবার এখানে আমলাদহীতে এর আগে অনেক আগুন লেগেছে, তো হঠাৎ ব্যবস্থা তো দেখুন নেওয়াই আছে, ব্যবস্থা না থাকলে তো তাড়াতাড়ি কী করে আগুন নিচ্ছে। ব্যবস্থা নেওয়া আছে আর ভালোভাবেই আগুনটা নিভানো হয়েছে, মিনিমাম প্রপার্টি ড্যামেজ করেই ঘোরা হয়েছে। আগুন তো লাগতেই পারে, কিন্তু ওটা নিভাওয়ার জন্য ভালো ভালো ব্যবস্থা সব প্রশাসন নিয়েছে, ভালোভাবে হয়েছে। কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা যতক্ষণ পুরো নিভবে না আগুন ধরা মুশকিল। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वीर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयां और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 03412305017 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। आसनसोल मशरकी रेलवे के आसनसोल रेलवे डिवीज़न में पहले मंशियात का सेंटर लाया गया था। इस कुत्ते का नाम तूफान रखा गया है। आसनसोल में पहले ही 4 मस्जिद कुत्ते मौजूद हैं। 4 में से 3 हम स्क्वाड के मातहत हैं जो रेलवे ट्रैक पर बम से बाखबर रहने में इस्तेमाल होते हैं और एक क्राइम ट्रैकर है। आसनसोल रेलवे डिवीज़न में लाया जाने वाला ये पहला कुत्ता है जो मंशियात की अशिया का पता लगाने में महारत रखता है। कुत्ते की उम्र 1.5 साल है। कुत्ते को 6 माह की तरबियत के बाद पुणे से लाया गया है। डॉग स्क्वाड के ASIS के संग का कहना है कि मंशियात की चीज़ का पता लगाने के लिए कुत्ते को लंबी दूरी वाली ट्रेन में तलाश के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। तूफान इन लोगों को पकड़ लेगा जो ट्रेन के जरिए भंग, हेरोइन, चर्स समेत मुख्तलिफ मंशियात स्मगलिंग करने की कोशिश करते हैं। ईस्टर्न रेलवे डिवीज़न में 60 डिवीज़नें हैं, लेकिन इस स्पेशलाइज्ड कुत्ते को पहली बार आसनसोल डिवीज़न लाया गया है जो इस बार मंशियात के स्मगलरों को पकड़ने में बहुत कारामद होगा। तूफान आसानी से नशा आवर एशिया को सूंघ सकेगा और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को ट्रेन में सही जगह पर ले जाएगा। आसनसोल रेलवे डिवीज़न अपने नए मेंबरों को लेकर आया है जिसमें बहुत से उम्मीदें वाबस्ता हैं और वो सब
इसी बात पर बहुत पुरजोश हैं। बंद लाश के कुछ हिस्से दुर्गापुर के हार में पाए गए कुडवा रोड के इलाके में खबर मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाकये का मुआयना किया। इलाकाई लोगों का अंदाजा है कि मंगल को बोरी नामी एक शख्स 4 माह कबल कुडा रोड के इलाके से लापता हो गया था। इसकी तहकीक करने के बाद भी ये नहीं मिला। गुज़िश्ता शाम कुत्ते ने हाइकेंट के हिल से बोरी में कुछ हड्डियों के कंकाल निकाले। इस हड्डी के कंकाल के बीच आधी पतलून देखकर अंदाज़ा लगाया गया कि ये एक इंसानी जिस्म है। ये खबर मिलने के बाद पहुंचने वाले अफराद और कुंबा के अफराद का कहना है कि लापता शख्स मंगल बोरी की लाश है, इस कत्ल करके बोरी में फेंक दिया गया है। वाकये के बारे में इलाके में सनसनी फैल गई है। बनपुर बाटा में 28 दिसंबर को हीरापुर अंकलिंग कांग्रेस कमेटी ने अपने फाउंडेशन का दिन मनाया। आइए सुनते हैं पश्चिम बर्धमान के वर्किंग प्रेसिडेंट हरजीत सिंह ने क्या कहा। किसी भी तरह का कानून हो वो पार्लियामेंट में उस पर बहस नहीं करना चाहते, वो पार्लियामेंट में उसे पास नहीं कराना चाहते, शून्यकाल में उसे जबरदस्ती पास करके इम्प्लीमेंट कर देते हैं। पर हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज आपके फेवर में कोई हक कोई फैसला दे देता है तो दूसरे दिन उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो आज की तारीख में पूरा देश डिक्टेटरशिप पे चल रहा है, तानाशाही पे चल रहा है। हम लोगों को इन सब बातों से होशियार रहना है। अभी उन्होंने अपना वेशभूषा भी आप देखेंगे कि एक साधु संत की तरह बना लिया। एक हमारे देश में थे शांताराम सांताराम और ये है झांसाराम, झांसाराम जी के वेशभूषा में आ गए हैं। और अब पश्चिम बंगाल में आकर अपने आप को रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता गाकर और विवेकानंद जी के जन्मदिन में आकर अपने आप को यहाँ की संस्कृति में बदलना चाहते हैं। साथियों मैं कहता हूँ जिस देश में इनका राज है, जिस प्रदेश में इनका राज है, उस प्रदेश की क्या अवस्था है वहाँ जाकर के पता करें कि बीजेपी कैसा शासनकाल कर रही है। और हम लोगों को होशियार होना है कि पश्चिम बंगाल में भी आने वाले दिनों में ये आना चाहते हैं। अगर ये पश्चिम बंगाल में आएंगे तो क्या हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रह पाएंगे? क्या हम बंगालियों के साथ जिस तरह भाईचारा बना के रहते रह पाएंगे? ऐसा नहीं होगा। आने वाले दिनों में जो ये करना चाहते हैं हमें उसको रोकना है, उसकी बात को समझना है, उसका जवाब देना है। और हमें एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग लोगों को समझाएं, उनके घर घर जाकर के बताएं उनमें भी और दूसरे राजनीतिक दलों में क्या अंतर है। इसके पहले भी बहुत सी सरकारें आई और गई है, ऐसा कोई जेके नगर ओल्ड माइनों में आने वाले इंतखाबात के लिए बीजेपी युवा मोर्चा ने एक इंतखाब का इकाज किया। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार यादव। अच्छा, ये डोर टू डोर जो कैंपेनिंग आप लोग कर रहे हैं ये किस वजह से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है आपको जी ये डोर टू डोर अगर आप कैंपेनिंग करेंगे तो इस पर क्या भाजपा का वोट बढ़ेगा? जी 100% ये आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जिस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को जो दायित्व दिया है, मैं हर एक बूथ सभापति के घर जाकर और बूथ सभापति ही नहीं उनके आसपास और हर एक गांव-गांव में जाकर मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं सबों से बहुत कोई अभी वंचित है और बहुत कोई को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो भी उनका लाभ है, मुद्रा लोन, सभी से संपर्क किया जा रहा है, उज्ज्वला योजना, सभी को जिस तरह से दिया जा रहा है और जिस तरह से जनता जाने के बाद खुलकर अपने दरवाजे पर बात करती है, उससे मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण मेरा दिल और संपूर्ण तरह से मुझे लगता है कि इस बार 2021 में पूरी जनता तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देगी और भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी। अच्छा, आपको क्या लगता है आपका संगठन इतना मजबूत है? अगर मजबूत है तो पंचायत में जिस तरह से हुआ था, आपको क्या लगता है विधानसभा में वैसे ही होने का चांस है? जी नहीं, पंचायत में प्रशासन को लेकर जिस तरह से पूरे तृणमूल के संतोलिया पुरुलिया जिला असेंबली के सदर सूजे बांडोपाध्याय मंगल को पुरुलिया के पंजाब ब्लॉक में लकड़ा तितली गार्डन का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में पंचायत समिति के सदर कृष्णा चंद्र महतो, BDO आनंद भट्टाचार्य, लकड़ा ग्राम पंचायत के सरबरा नवीन सिंह पीटर समेत दीगर ने शिरकत की। मालूमात के मुताबिक माजी में रूखा सूखा पुरुलिया के तहत सियाहत की सनत को फ़रोग देने के लिए बहुत कुछ किया जा चुका है। इसी के तहत तितली गार्डन का इफ्तिताह किया गया है। चेक डैम की गोद में तकरीबन 15 किस्म के पुरकशिश रंगीन तितलियों जैसे लाइम बटरफ्लाई, ग्रे ब्लू, नेवी फांसी, कॉमन बैरन उड़ रहे हैं। पुरुलिया के पंजाब ब्लॉक में लकला पर
चापती बाग का दरवाजा तितलियों को फिर से उड़ता हुआ दिखाने के लिए खोल दिया गया है। मोहकमा पंचायत और दीही तरक्की पहले ही एक वीडियो बनाकर रियासत की सियाहत के नक्शे पर तितली के बाग को फरोग दे रही है। दरअसल ये जंगल महल के इजला में पहला मरबूत तितली पार्क है। ये लकड़ा ग्राम पंचायत की कोशिशों से तश्कील दी गई है। लकड़ा ग्राम पंचायत इस तितली बाग को सियाहत के एक पैकेज के जरिए एक मरबूत सियाहती मुकाम के तौर पर कायम करने के लिए कोशिशें कर रहा है, जो इस पार्क से 5 किलोमीटर दूर वाक़ पाक वेदरा सियाहत के इलाके के साथ है। लिहाजा पिटॉम जोड जैक डैम से मुतसिल एक जखीरा तितली गार्डन के करीब एक पिकनिक जगह तैयार की जा रही है। इस वक्त हौज में कश्तीबाजी शुरू हो गई है। आधे घंटे तक कश्ती में घूमने के लिए 10 रुपये लगेंगे। लकड़ा ग्राम पंचायत पुरुलिया जिला काउंसिल के नायब चेयरमैन सुजय पांडोपाध्याय का इलाका है। नतीजे के तौर पर इनके जज्बात तितली गार्डन को नाफज करने में भी शामिल हैं। वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी सोसाइटी के जेर एहतमाम लकड़ा ग्राम पंचायत में वाकया तितली बाग माहिर के जरिए बनाया गया है। स्पीकर ने कहा कि 12 एकड़ अराजी का मुहासरा करके हमने जूलॉजिकल गार्डन के तामीर का काम शुरू किया है। इसके बीच में एक तितली बाग भी है। इससे मुश्किल चेक डैम के चारों तरफ जखीरा तैयार है और पिकनिक के मुकामात बना रहे हैं। कहा कि फिलहाल मजमूई तौर पर जीवाक्त्रा गार्डन बनाने में मजीद कुछ वक्त लगेगा। इन्होंने कहा कि हमारा मकसद ये है कि इस पर जापती बाग पिकनिक स्पॉट और जूलॉजिकल गार्डन को पाक बेदरा सियाहत के इलाके से जोड़ना है, ताकि रियासत की सियाहत के नक्शे पर यह इलाका एक मरबूत सियाहत मरकज के नाम से वाकिफ हो सके। इस बाग को बनाने के लिए तितलियों की पसंद के मुताबिक कटबल, अकंड, लेमू, अमरूद और मुख्तलिफ फूलों जैसे मैरीगोल्ड, टिगर्ड और प्रजीता इनके शहद के जखीरे में लगाए गए हैं। अपने फूलों से वो अमृत जमा करेंगी और अपनी जिंदगी का दौर पूरा करेंगी। लकड़ा ग्राम पंचायत की खुद कफील टीम इनकी देखभाल कर रही है। तितलियों ने सरसों पर अंडे दिए और इनकी निगरानी की जा रही है। जब अंडों से लार्वा तैयार हो जाता है तो इसे जार में रख कर इनका मुआयना किया जाता है। माहिर तंजीम की जानिब से चियोतादरी भंडारी ने बताया कि इस बर्तन में कोकोन बनाया जा रहा है और मतलूबा पत्ती खाने के बाद इसे बाग में छोड़ दिया जा रहा है। इस तरह बाग में तितलियों की तादाद बढ़ाने का काम जारी है। इस काम से वाबस्ता खुद इंसारी पार्टी के लोगों को तरबियत दी जा रही है। जीवा जितरा बाग में तितली बाग के अलावा आम के बागात, मंशियात के बागात और मिस्र के फलों के बागात भी तामीर हो रहे हैं। ग्राम पंचायत के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट गौतम दास ने बताया कि इस मंसूबे पर लगभग 45 लाख रुपए लागत आएंगे। इस मंसूबे को पंचायत को अपने फंड के अलावा 100 दिन काम करने वाले मिट्टी की तख्लीक के साथ नाफज किया जा रहा है। একটা পর্যটন কেন্দ্র জানেন আপনারা সবাই, এখানে জৈন মন্দির আছে, জৈন মন্দিরটাকে সুন্দর করে বানানো। এবং আরেকটা সবচেয়ে বড় কথা, আমার এই পুরুলিয়া যখন নতুন হয়, আগে ছিল মানভূম, তারও লড়াইটা এখান থেকে যে শুরু হয়, সেই জন্য সেই জায়গার তো একটা এক্সকারশন প্রেস করে গড়ে তোলার সাথে সাথে এটাকে আমরা লাখড়া গ্রাম পঞ্চায়েত ওটাও এটাও আমরা একসাথে একটা কমপ্লিট প্যাকেজ ট্যুর যেন এখানে হয় তার একটা ভাবনা চিন্তা আমরা রেখেছি। बनपुर के इलाके में मुख्तलिफ मसाइल के बारे में AMC म्यूनिसिपल कमिश्नर की ग्रोह दफ्तर में डिपुटेशन नंबर 7 त्रिवेणी मोड़ बनपुर मौजूदा मुआज़ज़ीन में अशोक मुखर्जी, देवयान रॉय, शिल्पी चक्रवर्ती, धर्मदास माझी, बिंद रॉय, चंदन मिश्रा, कृष्णेंदु घोष, अंशुमन मुखर्जी, अरुबेंदा घोष, अंजीत सेंगबत मौजूद थे। আমরা কমিশনারের কাছে যাব এবং আপনারা বোধহয় জানেন যে সমস্ত বড়গুলো আসানসোল কর্পোরেশনের যে সমস্ত বড়গুলো আছে সমস্ত বড়গুলোতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে হচ্ছে আমরা ডেপুটেশন দেব এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা বিশাল আকারের হচ্ছে একটা ডেপুটেশন হচ্ছে আমরা কর্পোরেশনে দেব। আপনারা জানেন যে অক্টোবর মাসের 14 তারিখে হচ্ছে আমাদের ভোট, অর্থাৎ আসানসোল কর্পোরেশনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি, আমাদের লাস্ট যে বোর্ড মিটিং হয়েছিল সেইখানে বোর্ড মিটিংয়ে বোর্ডের যারা ছিলেন কর্মকর্তা, যারা ছিলেন বোর্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, যারা ছিলেন তাদের, তারা তখন আমাদের বলেছিল যে যতদিন ধরে ইলেকশন না হবে ততদিন ধরে আপনারা নির্বাচিত যে সমস্ত কাউন্সিলর যারা আছেন তারা হচ্ছে কাজ চালিয়ে যাবেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে
যে আপনারা জানেন ইতিমধ্যে কলকাতা কর্পোরেশন এবং শিলিগুড়ি কর্পোরেশনে যে আইন নিয়েছে তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বসিয়েছে এবং আমাদের এখানে কি দেখলাম যে আমাদের এখানে কাউন্সিলরদের কোন রকম দায়িত্ব দেওয়া হয়। कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की जानिब से मरकजी हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसी और ज़राअत बिल के खिलाफ जुलूस निकाला गया। इस जुलूस की क़यादत कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सदर बमन आचार्य ने की। जुलूस इलाके के आसपास चला गया और रौनीटाला में एक इज्तमा में तब्दील हो गया। कुल्टी ब्लॉक के सदर और KKSC के जनरल सेक्रेटरी दलाल चक्रवर्ती ने कहा कि मरकजी जुलूस दिल्ली में मरकजी हुकूमत के ज़राअत बिल के खिलाफ किसानों की तहरीक की हिमायत में था। इस मौके पर साबिक डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा समेत सैकड़ों कारकुनान मौजूद थे। आसनसोल जनूबी पुलिस स्टेशन के तहत भगत सिंह मोड़ के करीब गैर सरकारी मेडोवेस्ट तस्खीसी और अस्पताल के खराब लिफ्ट की मरम्मत करते हुए लिफ्ट अचानक चलना शुरू हो गई। पटना के रिहायशी सोनू कुमार दास लिफ्ट की मरम्मत करने वाले 5 मैकेनिक्स में से एक लिफ्ट के दरवाजे से टकरा गया और नीचे गिर गया। इस तस्वीरनाक हालत में आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया जहाँ डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। जराये के मुताबिक पटना पोस्टल पार्क का रिहायशी 25 साल सोनू कुमार दास, रमेश कुमार और 2 दीगर मैकेनिक्स गैर सरकारी मिडवेस्ट तकसीसी और अस्पताल के खराब लिफ्ट को ठीक करने आए थे। वो पिछले 5 दिन से खराब लिफ्ट ठीक कर रहा था। इस सिलसिले में थाने को कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। आसनसोल में लेबर और कानून के वजीर ममलिकत मौलाई घटक की सरबराही में बिंगान वानी यात्रा के मौके पर आसनसोल में मोहराली का अहतमाम किया गया। दरे आसना प्रदेश कोर कमेटी के मेंबर अशोक रुद्र, तृणमूल रहनुमा तापस बैनर्जी, नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, हीरा राम सिंह नौजवान, TMC जिला सदर रूपेश यादव, जिला जनरल सेक्रेटरी अभिजीत घटक, साबिक नायब मेयर तबस्सुम आरा, देवेंदु भगत, मीर हासिम, गुरुदास चैटर्जी, अनिमेश दास, प्रमोद सिंह शामिल हैं। चूंकि सिंह, पंटू गुप्ता, राजा गुप्ता, फांसबी आलिया, तरनुम अफसाना, रजिया खालिद खान, शगीर आलम कादरी, मोरोकी, पप्पू सिंह समेत हजारों कारकन मौजूद थे। वजीर मौलाई घटक ने कहा कि वजीर आला ममता बनर्जी की सरबराही में बंगाल में 10 साल यानी 2011 से 2020 तक होने वाले तरक्याती काम किसी और रियासत में नहीं हुए हैं। सेहत से लेकर तालीम तक तमाम शोबों में ये तरक्की हुई है। कन्याश्री प्रोजेक्ट ने दुनिया की तवज्जो मबजूल कर ली है। उत्कर्ष बंगला, शुभज्योति, राह दिशा, ई समाधान जैसे मंसूबों का फायदा हर एक को मिल रहा है। रानीगंज में शुमाइल फैक्ट्री के कोलिंग टावर में मंगल की सुबह खौफनाक आग भड़क उठी। ये देखते ही आग तेजी से फैल गई। दहशत ज़दा कारकन जल्दी में फैक्ट्री से बाहर आए। रानीगंज पुलिस और फायर ब्रिगेड को इतला दी गई। जाए वक्ू पर मौजूद 2 फायर इंजनों ने चंद घंटों के मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री जराये के मुताबिक कोलिंग टावर में मंगल की सुबह अचानक आग भड़क उठी। आग फैलते ही कोलिंग टावर मुकम्मल तौर पर राख हो गया। ख्याल किया जाता है कि इस वाक्य में लाखों की अमलाक जलकर राख हो गए। इस तनाजर में हमारे नुमाइंदे ने INTTUC के रहनुमा निर्मल पाल से फ़ोन पर बात की और इन्होंने बताया कि जब मंगल की सुबह इसको आग लगने की इतला मिली तो वो फौरन ही फैक्ट्री गए। इसने देखा कि फैक्ट्री के अंदर आग लगी है। अगरचे इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है, इन्होंने फैक्ट्री इंतज़ामिया से मामले की तहकीकात करने को कहा है। रानीगंज में एक किताब जिसका नाम गुलफिके आरू की तरफ है, जिसको लिखने वाले हमारे अजीम राइटर सैफुल इस्लाम सैफ है, ने ये किताब अंजुमन उर्दू गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में जारी किया। मशहूर शायर व अदीब केसर सामी ने इस किताब को जारी किया, जबकि इस प्रोग्राम की सदारत करने वाले सैयद अहमद यूसुफी थे। इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी सैयद बिलाल हसन अपने ज़ाती मामलात की वजह से इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर पाए। इनके अलावा इस प्रोग्राम में गवर्निंग बॉडी ऑफ वेस्ट बंगाल एकेडमी के मेंबर खुर्शीद गनी, मुख्तार अहमद नकवी, रानीगंज TDB कॉलेज के उर्दू डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर एस कमाल, BHU के महेंद्र प्रसाद खुशवाहा, इम्तियाज़ अहमद राशिद, डॉक्टर साबिरा खातून हिना, आसिमुल हाशमी, मिराज अहमद मिराज और दीगर लोग मौजूद थे। इस प्रोग्राम में एक ड्रामा पेश किया गया जिसका नाम स्कूल की खिचड़ी था और सब ने इसे सराहा। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, लाइफ इज लाइक अ सी, वी आर मूविंग विदाउट एंड, नथिंग स्टेज विद अस, व्हाट रिमेन्स इज जस्ट द मेमोरीज ऑफ सम पीपल हु टच्ड अस एज वेव्स। जिंदगी एक बहर की मानिंद है
जैसे हम बगैर किसी कदम के आगे बढ़ रहे हैं। कुछ हमारे साथ बाकी नहीं रहता है, कुछ लोगों की यादें ही हैं जिन्होंने हमें लहरों की तरह छू लिया है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम।